सो दीज आर द ब्यूटिफुल स्टाइल्स इन टूडेज हॉल वीडियो. सो आज का हॉल वीडियो होने वाला है अमेजोन से. सो डेफिनेटली आज का हॉल वीडियो मिस मत करना. आपको जो भी पसंद आ रहा है जस्ट बाय इट, क्योंकि अमेजोन पर चल रही है प्राइम डे सेल जो कि लाइव हो चुकी है आज से, और ये सेल कल भी होगी. सो आज 20th एंड टुमारो 21st जुलाई. सो ये दो दिन सेल है जिसमें आपको 50-80% ऑफ मिल रहा है ऑन 1500+ टॉप ब्रांड्स. यस, और 4 लाख ज़्यादा स्टाइल्स पर आपको सेम डे डिलीवरी भी मिल रही है. इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है. अमेजोन से मैंने कभी भी, मतलब मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी. मुझे सेम डे डिलीवरी भी मिली है, नेक्स्ट डे डिलीवरी भी मिली है, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप डेफिनेटली बाय करें. सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. माय हॉल स्टोर का लिंक है, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हो जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको शो किए, एंड दोज आर डेफिनेटली गोइंग टू बी लाइक सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं सारे काफ़ी अच्छे क्वालिटी में हैं और उनके प्राइसेस भी अभी ड्रॉप हो चुके हैं. ओके, सो डेफिनेटली शॉप कर ले रहा. सो एक्सप्लोर ऑल द न्यू कलेक्शन ऑन अमेजोन एंड डेफिनेटली स्ले इन अमेजोन स्टाइल. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले, आप वो मिस ना करो. ठीक है, फ्री होता है तो कर दीजिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करना. ये फीचर YouTube ने पता है क्यों दिया है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो लाइक मतलब पसंद आता तो लाइक तो करना चाहिए ना. सो प्लीज़ कर देना और कमेंट करना. ठीक है, क्योंकि आपको जो भी डिफिकल्टी है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो. एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट जो आउटफिट है, लेट अस कंसिडर दिस फॉर राखी, क्योंकि अभी राखी आ रही है और बहुत लोग जो है मुझे ना एक कमेंट मतलब एक कॉमन कमेंट है मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों को ना एथनिक वेयर चाहिए, बट इट शुड बी मॉडर्न, इट शुड बी लाइक समथिंग विच इज़ लुकिंग क्लासी. सो मुझे लगा कि मुझे शेड्स भी वैसे पिक करने चाहिए. सो मैंने ये आउटफिट पिक किया है फॉर राखी. आई गेस बहुत लोगों को पसंद आएगा. एंड ब्रांड नेम है जनस्या. ठीक है, सो अगर आपको स्टाइलिश दिखना है लेकिन आपको एथनिक वेयर भी पहनना है, यू वांट टू लुक मॉडर्न, सो कलर उसके हिसाब से मैंने चूज़ किया. एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू लुक लवली. इस आउटफिट में आपको ये कुर्ता मिल रहा है और साथ में ये दुपट्टा है. ठीक है, तो इसमें बॉटम प्रोवाइडेड नहीं है, बट कुर्ते की लेंथ काफ़ी अच्छी है. सो इनकेस अगर आपको बॉटम पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यू कैन वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स. इनकेस यू कैन यू नो बाय समथिंग लाइक दिस, कुछ आप इस तरह का यू नो बॉटम पहन सकते हो जो कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बॉटम पहनने की ज़रूरत है उसमें. अदरवाइज कुर्ता इज़ लॉन्ग और मेरी हाइट 5'1" है, तो मुझे एक्चुअली बॉटम की ज़रूरत नहीं है. आई वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स विद दिस, या फिर 3-4 शॉर्ट्स भी आप पहन सकते हो. एंड या दुपट्टा यू कैन कैरी, इट्स दैट सिंपल. एंड येस, लुक एट द कलर, कलर इज़ ब्यूटिफुल. इट इज़ अ नाइस ब्लू. ये ब्लू पाउडर ब्लू शेड है जो कि काफ़ी लाइट शेड है, थोड़ा ग्रेइश जैसा. एंड इट इज़ हैविंग नाइस प्रिंट. सो इस तरह से फ्लोरल और लीफी प्रिंट किया गया है, अंगरखा स्टाइल दिया है. एंड जो स्लीव एरिया है ना, ये ट्रांसपेरेंट है. सो यू कैन सी दिस इज़ स्लीव एरिया. यहाँ पर इस तरह से लेस अटैच्ड है और इनर प्रोवाइडेड है. ठीक है, सो इस तरह से पॉलिस्टर इनर प्रोवाइडेड है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अनारकली कुर्ता. ओके, सो इस पर भी इस तरह से ना प्रिंट किया गया है. ठीक है, सो इट्स ब्यूटिफुल. इस तरह से आपको ना ट्रायल में यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज़, बट पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. और यहाँ पर भी नीचे भी लेस अटैच्ड है, विच इज़ थोड़ा सा ना गोल्डन टच भी है, सिल्वर टच भी है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है. बैक साइड से इस तरह से लुक दिया है. ये जो अपर साइड है यहाँ पर फ्लोरल प्रिंट है, और नीचे की साइड डिफरेंट प्रिंट किया गया. जो फॉइल प्रिंट नहीं होता वैसा वाला प्रिंट है, बट ऑब्वियसली ये निकलेगा नहीं. एंड ब्रांड यू नो वेरी वेल, जनस्या ब्रांड काफ़ी अच्छा है. और इस तरह से इनर प्रोवाइडेड है. ठीक है, सो इसके साथ जो है ना दुपट्टा है विच इज़ प्लेन, इस पर कोई वर्क नहीं है इस दुपट्टे पर. सो यू कैन सी इस तरह से है प्लेन दुपट्टा, बट लेंथ काफ़ी अच्छी है दुपट्टे की. सो यू कैन सी, और इस तरह से लेस अटैच्ड है. सो वेरी नाइस. और ये शिफॉन मटेरियल है, जॉर्जेट जैसा मटेरियल. एक्चुअली मैं शिफॉन नहीं कहूँगी, इवन कुर्ता जो है वो भी जॉर्जेट मटेरियल में ही है. ठीक है, सो अगर आपको पसंद आ रहा है, इन केस यू लाइकिंग द शेड एंड यू फील कि नहीं ये आपके ओकेजन के लिए सही है, डेफिनेटली पिक कर लेना. और अभी जैसे कि सेल चल रही तो उसमें प्राइजेस ड्रॉप हो चुके हैं, तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा. ओके, सो यस. सो नेक्स्ट जो आउटफिट है,
पहले मैं सारे कुर्ता सेट जो है ना आपको शो कर दूँगी, उसके बाद कुछ ड्रेसेस भी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आज के हॉल वीडियो में। सो दिस इज़ द सेकेंड वन एंड ब्रांड नेम इज़ जनसिया अगेन। ओके, मुझे लगा ये इंडो वेरा से है बट नहीं, दिस इज़ फ्रॉम जनसिया। आई लव द कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वाओ नाइस। सो प्योर कॉटन कुर्ता सेट, लुक एट दिस कुर्ता, वाओ। प्योर कॉटन, लेकिन कॉटन में भी एक बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, ब्रीदेबल फैब्रिक है। एंड यहाँ पर इस तरह से वुडन बटन्स है और कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, दिस इज़ सो एथनिक। और मरून ब्लू इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एंड इट इज़ हैविंग 3/4 स्लीव्स। ओके, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे इस तरह से ब्राउन फैब्रिक अटैच्ड है। एंड लुक एट दिस, इस तरह से साइड कट प्रोवाइडेड है, बैक साइड से भी जो है ना इस तरह का लुक दिया हुआ है। ओके, मुझे प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, कि अगर कुर्ता प्रिंटेड है तो बॉटम जो है प्लेन है, सो बॉटम इज़ दिस। मुझे ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कुछ ब्रांड्स की, और बॉटम भी प्रिंटेड, कुर्ता भी प्रिंटेड, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई स्टाइल अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिंटेड हो तो वो भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सो आई एम हैप्पी कि इस कुर्ता सेट में बॉटम प्लेन दिया हुआ है एंड इट इज़ हैविंग इलास्टिक, नॉट हैविंग पॉकेट, इट्स टोटली फाइन। और ये पैंट स्टाइल है प्योर कॉटन। ओके, सो दिस इज़ इन ब्राउन कलर और इस तरह से कट भी दिया हुआ है, और इसके साथ जो दुपट्टा है ये भी प्लेन है। तो इसलिए मुझे शायद ना ये मॉडल पिक्चर अट्रैक्ट कर रही थी जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मुझे क्या ऑर्डर प्लेस करना है, तो इसलिए मुझे ये कुर्ता सेट अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि इसका बॉटम भी प्लेन है और दुपट्टा भी प्लेन है। और ये इसका दुपट्टा है, इट इज़ प्लेन ब्राउन दुपट्टा, कॉटन है, प्योर कॉटन, इस तरह से टैसल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली पिक दिस इन केस अगर आपको पसंद आ रहा है, और ऑफिस के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा ऑफिस के लिए भी, सो डेफिनेटली पिक इट। ओके यस, एंड इसके बाद जो है दिस इज़ ऑल्सो अ कुर्ता सेट, ब्रांड नेम इज़ इंडो एरा। ओके, और ये ना ब्लैक कलर में है बट इसके साथ कॉम्बिनेशन यू कैन सी, वाओ। सो अगर आप ब्लैक लवर हो, ब्लैक कलर लवर, तो आप डेफिनेटली ये कुर्ता सेट पिक कर सकते हो अपने लिए, आई लव इट। मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट वेयर दिस फॉर राखी, ब्लैक नहीं पहनते हैं किसी शुभ दिन पर, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और लेकिन ले तो ज़रूर लेना, ऐसा नहीं कि आप ब्लैक पहन ही नहीं सकते, आप किसी और चीज़ों के लिए पहन सकते हो, जैसे कि कोई मीटिंग हो या फिर किसी प्रोफेशनल यू नो कहीं पर आपको अटेंड करना है, एंड इट इज़ यू नीड टू लुक डिसेंट, सो उन जगहों पर आप पहन सकते हो। सो आई मैनी पीपल नो व्हाट आई मीन, एंड यस, सो डेफिनेटली आप इस तरह का आउटफिट ज़रूर पिक करना। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉटन मटेरियल, ओके, विस्कोस फैब्रिक नहीं होता वैसा मटेरियल है, और इस तरह से राउंड नेक दिया हुआ है, यहाँ पर लेस अटैच्ड है, गोल्डन लेस। ओके, और फैब्रिक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो दिस इज़ हैविंग 3/4 स्लीव्स, यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर दी हुई है विच इज़ वोवन, ठीक है, यहाँ पे भी लेस अटैच्ड है, और स्ट्रेट कुर्ता है ये, साइड कट प्रोवाइडेड है, इवन यहाँ पर भी इस तरह से बॉर्डर दी गई है विच इज़ वोवन, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन इज़ रियली गुड, ब्लैक एंड इस तरह से रेड ग्रेश टोन में इस तरह से बॉर्डर दी गई है, अटैच की गई है ये बॉर्डर, ठीक है, और बैक साइड से ये प्लेन है, ठीक है, और इसके साथ जो बॉटम है दिस इज़ नाइस, आई मीन ये भी सेम फैब्रिक नहीं है, और इलास्टिक प्रोवाइडेड है, पॉकेट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड एट द राइट साइड, एंड यस बॉटम दिस इज़ अ प्लाजो, यहाँ पर नीचे भी इस तरह से बॉर्डर दी गई है, ठीक है। बट कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, कि इसका जो इसकी डिसेंसी है ना इस कुर्ता सेट की, काफ़ी यूनिक है, और दुपट्टा जो बॉर्डर आपको मिल रहा है ना गोल्डन और रेड टोन, तो उसी शेड में जो है आपको दुपट्टा मिल रहा है इस तरह से,
सो दिस इज़ लिटरली अ नाइस आउटफिट. ओके सो डेफिनेटली पिक इट, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. दिस इज़ ऑल्सो वोवन, सो यू कैन सी द शेड्स विच आर बीन यूज. आई एम लविंग इट, नाइस. सो इस तरह से टैसल्स भी दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. सो मेक श्योर इन केस यू लाइकिंग दिस आउटफिट आप जल्दी से पिक कर लेना, क्योंकि प्राइसेस अभी ड्रॉप हो चुके हैं सेल पीरियड में. आज और कल का ही दिन है सेल के लिए, सो इस पीरियड में आप शॉप कर लो जो भी आपको पसंद आ रहा है. ओके सो यस, सो नेक्स्ट आई विल बी शोइंग यू दिस ड्रेस. ओके सो ये है ब्रांड जनसिया से. वाओ आई लव द कलर कॉम्बिनेशन. वाइट तो ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद, काफ़ी एलिगेंट लगता है पहनने के बाद. लुक एट दिस, वाओ नाइस. फैब्रिक इज़ जॉर्जेट मटेरियल और अंदर से ना इनर भी है, सो सी थ्रू नहीं लग रहा मुझे ये बिल्कुल भी. जस्ट वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स इन अ गुड टू गो. प्रिंट इज़ सीरियसली अमेजिंग. Consider this for your next holidays. Don't miss it. और look at the color combination. White और इस तरह से blue shade दिया है. Blue है, purple है, even green भी use किया गया है. So look at this. Okay. और ये woven material है, in case आपको visible है तो. This is woven fabric. और इस तरह से style दिया हुआ है इसका. Okay. और इसके साथ ना belt भी provided है इस तरह से. ठीक है. सो यहाँ पर आप टाई कर सकते हो बेल्ट को. लुक एट द स्लीव्स, स्लीव्स आर ट्रांसपेरेंट. वाओ इस तरह से ट्रांसपेरेंट स्लीव दिया गया है. नाइस फ्लोरल प्रिंट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ड्रेस. लिटरली इट इज़ अमेजिंग. लुक एट दिस. ओके एंड इनर प्रोवाइडेड है इस तरह से. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मटीरियल, वेरी नाइस मटीरियल. और बैक साइड से इस तरह का लुक है. सो गुड फॉर हॉलीडेज़. और नहीं भी जा रहे हो ना हॉलीडे के लिए फिर भी ले लो, क्योंकि इस तरह के आउटफिट जल्दी मिलते नहीं हैं. और दिख भी जाते हैं इंटरनेट पर तो मैं तो बाय कर लेती हूँ, क्योंकि आगे जो भी हम प्लान करते हैं उसके लिए पहले से प्लानिंग हो जाती है कि चीज़ें हमारे पास हैं हम वहाँ पहन सकते हैं. सो आई गेस आपको बिल्कुल भी आउटफिट मिस नहीं करना चाहिए. आई जस्ट लव दिस, बहुत अच्छा है. ओके सो नेक्स्ट इज़ दिस ड्रेस अगेन. सो ये है फ्रॉम ब्रांड कॉल ग्लोबिस और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. बहुत टाइम से मेरी नज़र थी इस ड्रेस पर, लिटरली मतलब जब भी मैं स्क्रोल करती थी ब्रांड्स ये ड्रेस मुझे डेफिनेटली दिखती थी. और मैंने इसे विशलिस्ट भी बहुत पहले किया हुआ था. सो मैंने ना अपना पूरा विशलिस्ट का पिटारा खोला और मैंने कहा इसमें क्या क्या है जो मैंने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, और ये ड्रेस मुझे दिखी. मैंने फट से इसे ऑर्डर प्लेस कर दिया. एंड इट इज़ अ वेरी नाइस जॉर्जेट ड्रेस. सो लुक एट दिस, इट इज़ हैविंग अ स्ट्रेच यहाँ पर इस तरह से नेक एरिया पर. ठीक है. और आप इसे इस तरह से पहन लो या फिर आप इसे ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. बट बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है ये. और ब्लू बेस पर इस तरह से वाइट प्रिंट किया गया है. इवन वेस्ट पर इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है, सो इट विल टेक योर बॉडी शेप. यहाँ पे फ्रिल्स दिए हुए हैं. लुक एट द फ्रिल, लुक एट द वे इट इज़. वाओ वेरी नाइस. और इस तरह से जो है ना इनर प्रोवाइडेड है. बैक साइड से इस तरह का लुक दिया हुआ है. ठीक है. सो डेफिनेटली पिक दिस ड्रेस, इट इज़ अमेजिंग. मुझे इसके फ्रिल्स काफ़ी अच्छे लगे. और ये जो प्रिंट दिया है ना फ्लोरल प्रिंट, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू बेस पर. सो इन केस यू लाइकिंग इट गेट दिस ड्रेस. ओके सो इसके बाद जो आउटफिट है नाउ दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड मैक्स और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया है. मैक्स ब्रांड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और अगर आपको मैक्स में कुछ भी दिखा रही हो ना सो आप पिक कर लो, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं. और दूसरी बात मतलब कितना भी आप वॉश कर लो ख़राबी नहीं होती इनकी चीज़ें. आई डोंट नो हाउ मैंने 199 की टी शर्ट्स बाय की थी इस ब्रांड से ऑफलाइन मैक्स स्टोर में जाकर. मैंने कुछ 3 टी शर्ट्स ली थी 199 की. मैं कब से पहन रही हूँ उसे, मैं कब से उसे वॉश कर रही हूँ, बट कलर इज़ इंटैक्ट, क्वालिटी इज़ इंटैक्ट. आई डोंट नो कैसे वो करते हैं, मतलब इतने कम प्राइजेस में क्या मतलब क्वालिटी दे रहे हैं ये लोग. मतलब सीरियसली आई एम जस्ट हैप्पी विद दिस ब्रांड. सो अगर मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ ना मैक्स से आप फटाफट उसे पिक कर लेना. और जो भी मैं परचेज़ करती हूँ मैं तो उसे बहुत पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ द नेक्स्ट ड्रेस. ओके सो
मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगा, इसका कलर, इसका लुक, क्योंकि ना बहुत लोग ना ड्रेस पहनते हैं लेकिन दे वॉन्ट टू बी कवर्ड और काफ़ी डिसेंट लगे, इस तरह का भी लुक प्रेफर करते हैं लोग, और इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए ना इस तरह की ड्रेसेस मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं भी कभी कभी ना कहीं जाती भी तो आई फील दैट माई हैंड शुड बी कवर्ड और नीज़ के नीचे तक मेरी ड्रेस होनी चाहिए, काफ़ी नीचे तक, ताकि मेरे पैर ज़्यादा दिखे ना, इट शुड बी वेरी कम्फर्टेबल। तो इस तरह का ये ड्रेस है लिटरली। सो फैब्रिक इज़ रेयॉन, सच अ सॉफ्ट मटेरियल, गुड टू गो फॉर द होल डे। और यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से लाइट पिंक, ब्लू शेड, ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन, इस तरह से शेड यूज़ किया गया है एंड आई लव्ड इट, वाओ। और बटन्स दिए हैं जो कि सारे ही ओपन हो जाते हैं। ओके, तो देर आर मैनी लेडीज़ आउट देयर हु हैव यू नो हेल्थ इशू, मेरी मदर इन लॉ खुद जिन्हें अर्थराइटिस है, सो उन्हें ना ऐसे आउटफिट लेने पड़ते हैं जिनकी बटन्स हो सारे, ताकि वो इस तरह से पहने और फिर बटन लगाए, क्योंकि उन्हें ना हाथ ऊपर करने नहीं होता है, तो उनके लिए भी इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इवन फॉर फीडिंग मदर्स, इवन फॉर प्रेगनेंट लेडीज़, इस तरह के ड्रेसेस आप पहन सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना टाई करने के लिए भी दिया है, सो जस्ट एज़ पर वेस्ट आप इसे पहन सकते हो, सो जस्ट एडजस्ट इस अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट, और काफ़ी अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। और यहाँ नीचे भी आप देख रहे हो डिफरेंट प्रिंट किया गया है, विच इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सो येस, मेक श्योर यू गेट दिस। यहाँ नीचे इस तरह से कट दिया हुआ है, वाह। और बैक साइड से भी इस तरह का लुक दिया है, ओके, सेम प्रिंट। सो आई सजेस्ट कि आप ये ड्रेस ज़रूर बाय करें, डोंट मिस दिस। मैं ना वीडियो यहीं पर स्टॉप करने वाली थी लिटरली, बट रहा नहीं जाता, इसको भी इंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो में। एंड इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड मिस चेस, साइज़ मैंने इसमें मीडियम पिक किया है, एंड इट इज़ अ नाइस डस्टी पिंक ड्रेस। बहुत टाइम से मुझे ये बाय करना था, आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू लुक ऑन मी, मैंने ट्रायल अभी तक किए नहीं है ना इसीलिए, बट दिस इज़ सच अ नाइस ड्रेस, यू कैन सी द मॉडल पिक्चर, नाइस, प्राइस अफोर्डेबल, सो डेफिनेटली ज़रूर पिक कर लेना, वाओ, आई लव्ड इट। सो कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, फिर भी मैंने इसे मीडियम में पिक किया क्योंकि ये बॉडी हगिंग ड्रेस है, तो इसलिए एक साइज़ आप लेना ज़रूरी है, और मीडियम काफ़ी हद तक बहुत सारे ब्रांड्स में मीडियम मुझे फ़िट होता है, किसी किसी ब्रांड में मुझे स्मॉल फ़िट होता है, तो मैं बीच में ऐसे ना लटक रही हूँ मीडियम और स्मॉल में, बट मैंने इसमें ना मीडियम बाय किया क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बॉडी हगिंग ड्रेस, सो इसलिए। और ये ब्लेज़र जैसा लुक आपको क्रिएट मतलब क्रिएट करेगा, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, सो यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग ऑन मी। और यहाँ पर इस तरह से बटन्स दिए हैं, दिस आर प्लास्टिक बटन्स बट काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, यहाँ पे पॉकेट है विच आर फेक पॉकेट्स, और इस तरह से स्लीव्स प्रोवाइडेड है, पफी स्लीव्स है, ठीक है, 3/4 स्लीव्स, यहाँ पे भी इस तरह से बटन दिया हुआ है, एंड दिस इज़ स्ट्रेचेबल, दिस मटेरियल इज़ एक्चुअली स्ट्रेचेबल। और बैक साइड से ये इस तरह से प्लेन है, आगे से जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि बटन्स, और यहाँ पे जो है इस तरह से ओपन लुक दिया है, बट कुछ भी विजिबल नहीं होगा, इट इज़ जस्ट अ लुक, बट फैब्रिक अटैच्ड है इस तरह से, सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, जस्ट वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स विद दिस एंड यू गुड टू गो। इसका जो मटेरियल है ना, सो इसमें तो पॉलिएस्टर लिखा हुआ है, बट दिस इज़ सीरियसली एन अमेजिंग फैब्रिक, अगर पॉलिएस्टर भी है तो वो एक आई गेस बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का पॉलिएस्टर है जो कि यूज़ किया गया है। यहाँ पीछे इस तरह से हुक भी दिया हुआ है, इवन जिप इज़ प्रोवाइडेड, सो यू कैन सी इस तरह से लॉन्ग जिप दी हुई है, सो इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। सो डेफिनेटली आप ये ड्रेस ट्राई कर सकते हो, आई एम इन लव विद दिस, ओके, सो मेक श्योर यू डेफिनेटली बाय दिस। सो कैसा लगा आपको आज का हॉल वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और येस लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इट मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये जो भी आपको ऑप्शन दिया है लाइक का, सो प्लीज़ डू इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको इस तरह के और वीडियोज देखने मिले, आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो, कल भी एक वीडियो लाइव होगा, ओके, सो डोंट मिस, सब्सक्राइब, सो विल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।